नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज बिहार स्पेशल रेसिपीज़ का 10वां दिन है, 10वीं रेसिपी है। तो इसमें हम बना रहे हैं आज लिट्टी चोखा, साथ में चटनी सलाद जो भी आप एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लहसुन छील कर रख लिया है, मिर्ची अदरक धनिया इन सबको कट कर लेंगे। और ये भून लिया है मैंने टमाटर और बैंगन को, दो साथ में बॉयल आलू लिया है, तो इनको अच्छे से छील लेना और भूनते वक्त बैंगन को काट करके ज़रूर चेक कर लेना है। तो ये सभी चीज़ों को मैंने छील लिया है। उसके बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और चॉप किया हुआ लहसुन और हरी मिर्च, तो सब ये अपने हिसाब से आप लें। इसमें साथ में डालेंगे कच्चा वाला सरसों का तेल, जिससे कि जब हम चोखा खाएं तो लहसुन और कच्चा तेल का जो झांस आता है वो आए। तो ये हमारा चोखा बनकर रेडी हो गया है बैंगन आलू टमाटर का। इसमें अब सत्तू बना लेते हैं, सत्तू का मसाला। तो यहाँ पे भुने चने का जो आटा होता है उसे ही सत्तू कहते हैं। तो ये है, इसमें अदरक हरी मिर्च लहसुन जो हमने कट किया है वो डाल दिया है, ढेर सारा डालना है फ्रेंड्स अच्छे से। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। फिर आई अब कलौंजी की बारी, कलौंजी और अजवाइन, ये सभी चीज़ें डालना ज़रूरी है सत्तू के मसाले में, तो इसे हम क्रश करके डाल लेंगे। अब ये जो मैंने नींबू लिया है, बस आधा नींबू का रस लिया है। अब इसके साथ साथ आपको अगर खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, और साथ में अचार का मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी कम ही खट्टा बना रही हूँ, इसलिए सिर्फ मैंने थोड़ा सा नींबू का रस ही डाला है, और ढेर सारा कटा हुआ धनिया डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इससे अच्छे से डालिए। अब इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, मेज़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ सरसों तेल डाल दिया है। आप चाहें तो अचार का मसाला के साथ साथ उसी का ऑयल, जो अचार का तेल होता है उसी का ऑयल डालेंगे तो भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो कभी कभी मैं वैसे भी बनाती हूँ, हमेशा अलग अलग तरीके से बनाते रहती हूँ, तो उस तरीके से भी आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पानी हमें डालना पड़ेगा, तो ज़रा सा पानी ऐड करके उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो सत्तू है थोड़ा बाइंड हो सके। एक मुट्ठी बांधकर आप चेक कर सकते हैं कि वो लड्डू जैसे बंध रहा है या नहीं। तो ये सत्तू का मसाला भी अब हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब आटा गूंद लेते हैं। तो आटे में भी हल्का सा मैं डालूंगी यहाँ पे नमक, बहुत हल्का सा, क्योंकि उस सत्तू में भी हमने डाल दिया है ऑलरेडी नमक, तो इसमें बहुत ही हल्का सा नमक डाल लेंगे। और ज़रा सा ऑयल डाला है मैंने, यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। आप चाहें तो ज़्यादा क्रिस्पी बनाना हो उसके लिए आप घी भी ऐड कर सकते हैं, हल्की सी मलाई भी ऐड कर सकते हैं, तो कई तरीक़ों से आप बना सकते हैं इसे। तो मैं यहाँ पे आज रिफाइंड ऑयल ही डाल रही हूँ। और इन सबको मिक्स करके हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, बिल्कुल नॉर्मल वाला पानी ही डालना है, और अच्छे से आटा रोटी के जैसे ही हमें गूंद लेना है। रोटी से हल्का सा सख्त होना चाहिए, रोटी में जो आटा होता है वो सॉफ्ट होता है बिल्कुल, और ये थोड़ा सा हार्ड बनेगा, तभी ये जो हमारी लिट्टी बनती है क्रिस्पी बनती है। तो अब चलिए आटा गूंद गया है, तो मैं इसे कोई रेस्ट नहीं दे रही हूँ, तुरंत के तुरंत मैं लिट्टी बनाना शुरू कर दी। तो देखिए, एक छोटा सा बॉल लेंगे और उसे कटोरी का शेप देंगे, और उसमें जो हमारी फिलिंग है उसे डाल लेंगे। और अच्छे से फ्रेंड्स इस फिलिंग को डालना है, तभी खाने में लिट्टी में स्वाद आएगा, जब उसकी फिलिंग अच्छे से भरी होती है। तो हम अच्छा सा ढेर सारा इसमें सत्तू भरेंगे, और एक साथ मैं कई सारी लिट्टियों के जो बॉल्स हैं वो तैयार कर लूँगी, उसके बाद ही बनाएंगे हम। और फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गांव जैसी लिट्टी, वो भी घर पे, क्योंकि हमारे जैसे सिटीज़ में हम चूल्हा वगैरह नहीं जला पाते हैं, ये आग नहीं जला पाते हैं, तो कैसे लिट्टी बनाई जाए गांव जैसी, तो वो आज मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगी। तो एक साथ पहले ये सारे लिट्टी के जो बॉल्स हैं बना लेंगे, और एक्स्ट्रा वाला आटा देखिए मैंने निकाल दिया है, क्योंकि खाते वक्त ज़्यादा आटे जैसा स्वाद नहीं आना चाहिए, सत्तू का स्वाद आए,
इस वजह से। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये लेमन साइज़ बिग लेमन साइज़ के बॉल तैयार कर लिए हैं और इसे बनाएंगे हम अप्पे पैन में। तो एक एक बूंद यहाँ पे तेल डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस एक एक बूंद ऑयल डालकर इसे गर्म करेंगे हल्का सा अप्पे पैन को, और उसके बाद जो हमने सारी लिट्टी तैयार की है वो इसमें डाल देंगे। तो अगर आपके पास चूल्हा या आग जलाने की कोई व्यवस्था नहीं है तो इस तरीके से आप गांव वाली जो लिट्टी है क्रिस्पी क्रंची, वो लिट्टी आप घर पर बना सकते हैं। तो अगर किसी को गांव की याद आ रही हो तो फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिए अपने घरों पे, अप्पे पैन हो तो। अगर अप्पे पैन नहीं हो तो इसे कढ़ाई या कुकर में भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए हल्का सा मैंने ढक दिया है थोड़ी थोड़ी देर पे, लेकिन बीच बीच में हमें चेक करते रहना है, नहीं तो एक साइड ज़्यादा ही ब्लैक या ब्राउन हो जाएगा, इसलिए पलटते रहिए इसी तरीके से सारी लिट्टियों को। तो ये देखिए ब्राउन होता जा रहा है ये धीरे धीरे, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम ये सारी लिट्टी को सेकेंगे। बिल्कुल कम ऑयल डाला है आपने देखा है, बस एक एक बूंद तेल डाला है, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस इसे हल्के हल्के ढककर पकाएंगे और पलटते रहेंगे। तो ये देखिए बीच वाली जो लिट्टी है वो रेडी हो गई है। तो जो अच्छे से सिक जाए फ्रेंड्स, उसमें कभी कभी हल्की सी क्रैक्स भी आ जाते हैं, तो उसकी पहचान है कि ये लिट्टी हमारा अच्छे से पक गया है। तो थोड़ी ही देर में ये देखिए हमारी लिट्टी जो बनकर तैयार है, उसे निकालते जाएंगे और फिर जो नेक्स्ट दूसरा बैच डालते जाऊंगी मैं इसमें। ये तैयार हो गया है, इसे निकाल देंगे और धीरे धीरे बाकी के और लिट्टी भी इसमें डालते जाऊंगी ताकि वो भी इवनली एकदम सिक सके। और अब चलिए सर्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो लिट्टी के साथ चोखा, चटनी और सलाद, प्याज का सलाद हो तो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है, तो वही मैंने सर्व किया है। तो फ्रेंड्स आज की ये बिहार स्पेशल लिट्टी चोखा की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसे देखिए मैंने तोड़ लिया है हाथों से ऐसे क्रश करके, और उसके ऊपर अब डालेंगे देसी घी। तो आप चाहे इस तरीके से डालिए या कटोरी में घी गरम करके उसमें लिट्टी को डुबो दें, तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। तो तैयार है हमारी लिट्टी चोखा, तो इसे कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।